हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर और आज की इस क्लास के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से आप अगर कमीज में 1 इंच प्लस करते हैं बॉडी मेजरमेंट के हिसाब से, तो उस नाप को किस तरीके से रखते हैं कटिंग करते वक्त। लास्ट वीडियो में आपने देखा था, मैंने 3 इंच प्लस करने वाला आपको मेथड बताया था। इसमें बताऊंगा आपको 1 इंच प्लस करने वाला मेथड, और इससे जो नेक्स्ट वीडियो होगी दोस्तों, उसमें मैं बताऊंगा आपको अपर चेस्ट में 3 इंच वाला और डाउन चेस्ट में 1 इंच प्लस करने वाला कि आप उसका निशान किस तरीके से लगा सकते हैं। ये तीनों वीडियो आपको इसलिए दी जा रही है क्योंकि अब मैं जब भी कमीज की कटिंग करूंगा तो आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूजन ना हो और आप बेहतर तरीके से समझ पाएं, सीख पाएं। क्योंकि सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन आपको इसी में होने वाली है कि अगर अपर चेस्ट किसी की कम है और डाउन ज़्यादा है, 6 इंच का फर्क है, तो कैसे करें। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको एक वीडियो में समझा चुका हूँ पिछली वीडियो में, और उसके बाद मैं आपको 3 तरीके से कटिंग बता रहा हूँ कि किस तरीके से आप इसके निशान लगाएंगे, और उसी मेजरमेंट को आप रखते हैं तो आपकी फिटिंग बहुत बढ़िया आएगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं और आपको ये चीज़ सिखाते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब मैंने एक पेपर लिया है, पिछली बार की तरह मैंने कोई कपड़ा नहीं लिया। आपको पता है कपड़ा कैसे बिछाना है, वो वीडियो में आपको आगे समझा दिया जाएगा। फिलहाल मैं आपको इस पेपर पर समझा रहा हूँ, इसको अच्छी तरह समझ लेना, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखें, जो मैंने आपको नाप दिखाया था, तो ये सी बनाया यानी कि चेस्ट, अपर चेस्ट है 36, डाउन है 37। तो मैंने आपको समझाया था लूजिंग किस तरीके से आपको देनी है। तो हम 37 में प्लस करेंगे 1, नाप हो जाएगा 38। ये तैयार नाप है, इसका हाफ नाप होगा दोस्तों 19 इंच, ठीक है। इसी तरीके से कमर का नाप 16 इंच है, तैयार नाप है, हिप का 20 इंच है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, सबसे पहले पेपर पे मैं एक निशान लगा लेता हूँ, ये ऊपर की साइड में है। इसमें बस आपको एक नाप चाहिए जिसको हम कहते हैं डॉट लेंथ। अब डॉट लेंथ कौन सा नाप होता है वो आपको मेजरमेंट में पता चल गया होगा, फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, ये डमी है, डमी में हमारा जो ये साइड होता है, ठीक है, ये जो साइड होता है, इस जगह को हम कहते हैं डॉट पॉइंट। तो हमें क्या करना है, इसका नाप कैसे आप लोगे कस्टमर का, बस आपको इंच डेढ़ से जब ऐसे नापोगे तो यहीं पर आपको मेजर कर लेना। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर आ रहा है 10.5, यानी कि 10.5 पे इसकी डॉट लेंथ आ रही है। इसी तरीके से आप नाप सकते हो अपने कमर का नाप कि आपकी कमर कितने पे आ रही है, तो आप कमर का नाप भी इसी तरीके से नाप सकते हो। यहाँ पे हमें मेन चाहिए डॉट लेंथ, तो हम अपनी डॉट लेंथ 10.5 पे हिसाब से रखेंगे। तो इंची टेप को हम इस तरीके से लेंगे, पहला निशान आएगा आर्म और लेंथ का जो मैं 7 पे लगा रहा हूँ, दूसरा निशान डॉट लेंथ का, डॉट लेंथ हमने नापी थी 10.5, तो हम रखेंगे इसे 11 पे, आधा इंच प्लस करके, क्योंकि दोस्तों ऊपर की साइड में हमारा आधा इंच दबेगा कंधी में, तो यहाँ पे हमारी 10.5 बिल्कुल ओके आ जाएगी। और आर्मो लेंथ पे जो नाप बता रहा हूँ, तो दोस्तों आर्मो लेंथ भी छोटा होता है, तो आपको आर्मो लेंथ का जो नाप बताया जाएगा इसे फिक्स रखना, इसमें कोई प्लस नहीं करना। कमर का नाप दोस्तों यहाँ पे हम रख लेते हैं अपना 15 इंच, ठीक है। हिप का रख लेते हैं 21.5 इंच, और ये जो निशान है ना 1, 2, 3, 4, इसको हम सीधे फुट्टे की मदद से देखिए इसको ऐसे रखेंगे और इस तरीके से इसके निशान को लगा लेंगे। तो ये सारे निशान हम इसी तरीके से लगा लेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने सीधे निशान लगा दिए, साथ में मैंने हिप का और कमर का जो मेजरमेंट है वो मैंने रख दिया। हिप का मेजरमेंट था 20 इंच, तो 20 का आधा 10 आप देख सकते हैं, कमर का था 16, उसका आधा 8। अब दोस्तों यहाँ पे जो मैंने अभी आपको नाप लेना बताया जो थी डॉट लेंथ, ठीक है, इसको आप बस्ट पॉइंट भी कह सकते हो, ठीक है, यहाँ पे बस्ट लेंथ भी कह सकते हो, बहुत अलग अलग लोग कहते हैं प्लेट लेंथ, डॉट लेंथ, तो यहाँ पे डॉट लेंथ कह के चलता हूँ मैं इसको, तो आपको आगे कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे डॉट लेंथ पे और यहाँ पे हमारी आर्म और लेंथ पे, ठीक है। कभी भी जब हम अपने साइज में, जैसे कि मैंने आपको समझाया था 1 इंच प्लस करते हैं ओनली, अपने मेन बस्ट में जब 1 इंच प्लस करते हैं और हमारे उसमें 1 इंच का फर्क होता है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, क्योंकि 1 इंच प्लस तो आपको अपने जो 3 इंच वाला जब इसके बाद वाला बताऊंगा उसमें भी करना है, लेकिन अपर चेस्ट में अगर आप कुछ भी प्लस नहीं करते हैं, 0 करते हो, और इसमें आपको काम मतलब जो डाउन बस्ट है इसमें आप 1 इंच प्लस करते हो, तो ये नाप में आपका देखिए यहाँ पे 19 हो गया। तो इस नाप को आपको कहाँ कहाँ रखना है, तो ध्यान से देखें, एक आपकी आर्म और लेंथ, एक डॉट लेंथ। तो यहाँ पर हमारी जो साइज है बस्ट का वो आ गया दोस्तों 38, उसका आधा 19, 19 का आधा 9.5। तो यहाँ पर हम इंची टेप से सबसे पहले डॉट लेंथ पे 9.5 का निशान लगाएंगे, क्योंकि ये पेपर है, 1 फोल्ड है, कमीज को हम कटिंग करते हैं डबल फोल्ड में करते हैं, तो जब ये हम 9.5 पे निशान लगाएंगे और ओपन करेंगे तो ये 19 हो जाएगा, और जब बैक पल्ला कटिंग करेंगे 19 उसको मिलाएंगे तो ये 38 नाप हो जाएगा। तो हम हमेशा 1/4 में नाप लगाते हैं, सेम नाप जो हमने डॉट लेंथ पे रखा है इसको आप ऊपर इस तरीके से रख देंगे।
बस दोस्तों आपको इतना ही करना होता है, जब आप 1 इंच प्लस करते हो दोनों नाप आपको आर्मोर लेंथ डोर लेंथ पे करते हैं। इससे क्या होता है दोस्तों, जब आप इसको 1 इंच प्लस करके ऐसे निशान लगा लेते हो तो यहाँ की साइड में जो एक आपका फुग्गा बनता है, झोल कह सकते हो आप, तो वो चीज़ आपके यहाँ पे नहीं बनती, बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग आती है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, नीचे तो मैंने निशान लगा दिया, इसको हम इस तरीके से सीधा निशान लगा लेंगे। देखिए मैं लगा के दिखाता हूँ, ये मैंने फिटिंग का सीधा निशान लगा दिया। लेकिन अब यहाँ पे आपको एक चीज़ देखने वाली है, मैं यहाँ पे आपको निशान लगा के दिखा रहा हूँ जिससे आप समझ पाएँ। हमें अपनी सेफ पट्टी की मदद से, देखिए मैं निशान लगा लेता हूँ पहले, ये देखिए मैं निशान लगा रहा हूँ इसको। तो बस आपको जब निशान लगाएंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पर निशान लगाने के बाद ये वाली जो साइड है कमर पे और हिप पे, तो यहाँ पे काफ़ी तिरछापन आ गया। तिरछापन आप देख सकते हो, ये एकदम से इस तरीके से मुड़ गया। तो आपको अगर लगता है कि हमारे साइज में इस तरीके की कोई दिक्कत आ रही है, तो हमें क्या करना है, इस साइड से ओनली आधा इंच आपको बढ़ा देना अपने साइज को। तो यहाँ पे मैं आधा इंच का ऐसे निशान लगाऊंगा, ठीक है। और अब आधा इंच पे दोस्तों मैं इसे इस तरीके से हिप पे मिला दूंगा और इस वाले निशान को इस पे मिला दूंगा, ठीक है। जब हम यहाँ पे 1 इंच प्लस करते हैं और बस्ट पे नाप रखते हैं तो कुछ इस तरीके से हमारा नाप आता है। तो अब आप देखेंगे हम इस वाले इसको कटिंग करते हैं, यानी ये निशान हमारा नहीं है, हमारा निशान आपका इस साइड में चला गया। तो यहाँ पे हमारी जो शेप जो ज़्यादा तिरछी हो रही थी ना, वो बिल्कुल ऐसे आएगी। इससे क्या होगा, बस्ट दबेगी नहीं और इसकी फिटिंग बहुत ही बढ़िया आएगी, कोई झोल नहीं आएगा। लेकिन ये आप देखेंगे हिप का नाप, बस्ट पॉइंट का नाप बिल्कुल ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। मेन आपका कमर का जो नाप है ये आपका बढ़ गया। तो यहाँ पे आपका फ्रंट का नाप मेन बड़ा है, तो आपको क्या करना है, बैक साइड में दोस्तों आपको प्लेट डाल लेनी है। प्लेट किस तरीके से डलेगी बैक साइड में वो बता देता हूँ। हमारे जो डॉट लेंथ वाला हिस्सा है ना, यहीं पर ही आपको अपनी जैसे चौड़ाई का हिसाब होता है, 3.5, 4.5, 4, ठीक है, इस तरीके से वो आपको आगे बता दिया जाएगा। तो यहाँ पर 3.5 पे हम इस तरीके से निशान लगाएंगे, यहाँ से इसकी लेंथ ले लेंगे 8 इंच, ठीक है। और एक काम और कर सकते हो आप, ये जो आपकी कमर की लेंथ है, आप कमर की लेंथ से आप इसको 4 इंच ऊपर 4 इंच नीचे करके भी लगा सकते हो, ठीक है। तो जितना हमने यहाँ पे रखा है 3.5, यहाँ भी हम 3.5 रखेंगे। इसको हम कर देंगे फुट्टे की मदद से सीधा, ध्यान से देखना दोस्तों, सीधा कर दिया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंची टेप रखेंगे ऐसे, आधा इंच के हमने यहाँ पे आधा हिस्सा बढ़ाया था, तो आधा इंच का ये बढ़ेगा, आधा इंच का ये बढ़ेगा, क्योंकि बैक साइड में आएगी सिर्फ 2 प्लेट। तो ये जो हमने नाप बढ़ाया आधा इंच का, ये 4 जगह हम करेंगे तो 2 इंच हमारा यहाँ पे टोटल में जाएगा। बैक में 2 प्लेट आएगी, 2 प्लेट आएगी तो टोटल कितना कवर करेगी वो, तो देखिए यहाँ पर आधा इंच ये दबेगा, जब फोल्ड करके प्लेट डालेंगे, प्लेट वाली कमी जब आएगी तो उसमें मैं आपको पूरी डिटेल में समझाने वाला हूँ। तो यहाँ पे आप देखिए 1 इंच की प्लेट आ जाएगी, ठीक है। जब इसको हम 1 इंच की प्लेट को जब यहाँ पे डबल में करेंगे 2 प्लेट में, तो 2 इंच हमारा कवर हो जाएगा, ठीक है। जो नाप हमारा यहाँ बड़ा है वो प्लेट में कवर हो जाएगा। अब इसको हम कैसे डालते हैं, तो देखिए निशान लगा के दिखा देता हूँ मैं दोस्तों। ये प्लेट डलने के बाद आपका इस तरीके से होगा, और प्लेट वाली वीडियो जब आएगी ना, जिसको हम पंजाबी कमीज का नाम देंगे, तो उसमें आप देखना इस तरीके से दोस्तों प्लेट डालने का तरीका बताया गया होगा। तो आप देख सकते हैं ये प्लेट आपकी इस तरीके से डलेगी, कमर वाला हिस्सा खत्म होकर ये बढ़ जाएगा, सिर्फ कमर कमर का नाप जो कम हुआ ज़्यादा, मतलब यहाँ पे बड़ा था वो यहाँ पे फिटिंग आ जाएगी, और फिटिंग आप देख सकते हो इस तरीके से आएगी। तो यहाँ पर ये था आपका 1 इंच प्लस करने वाला निशान। तो मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बताया था कि किस तरीके से जो है आप अगर मतलब बनाना चाहते हो, तो किस तरीके से आप 3 इंच प्लस करके बनाओगे और किस तरीके से आप जो है 1 इंच प्लस करके बनाओगे। तो मैंने यहाँ पर आपको 2 मेथड बता दिए। तीसरा मेथड आएगा दोस्तों कि अपर चेस्ट में हम जो प्लस करते हैं 3 इंच, वो डाउन बस्ट में प्लस करते हैं 1 इंच, तो उस नाप को किस तरीके से रखा जाएगा वो मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अब देखिए आप पेपर पर मैंने कट निशान लगा दिया, आपको करना क्या है, सीधा दोस्तों यहाँ से जैसे कमीज कटिंग होती है आपको कटिंग कर लेना है। प्रैक्टिस के लिए आप न्यूज़पेपर वगैरह ले सकते हैं, और मैं बताना चाहूँगा कि आप बैक वाले पल्ले पे ही हमेशा कटिंग करें, ठीक है, पहले। फिर जैसे बैक पल्ला कटिंग हो जाएगा, उसके बाद आप बैक पल्ले निशान पे कटिंग हो जाएगा, तो फ्रंट वाले पल्ले का जो आर्मोल है इसको आपको नहीं कट करना, जो ये वाला निशान है, ठीक है, बस आपको इस निशान पे कट करना है। और फिर आप उस फ्रंट पल्ले का बैक पल्ला कटिंग करोगे तो अलग से हटा के फ्रंट वाले पल्ले को यहाँ से कैंची से कटिंग कर लेना। इससे क्या होगा, कभी भी आपका फ्रंट और बैक एक जैसा नहीं कटेगा। वरना गलती अक्सर क्या होती है, मेरे पे काफ़ी कमेंट भी आए हैं, और जिनको मैं ऑनलाइन सिखाता हूँ उन लोगों की भी आए कि सर हमने ना गलती से फ्रंट वाला जो पल्ला कटिंग किया था, बैक पल्ला भी बिल्कुल बराबर कट गया।
तो इसमें क्या होता है दोस्तों, वो सूट खराब हो जाता है। तो ये जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ ना कि हमेशा आदत बना लो अपने बैक पल्ले के फ्रंट में निशान लगा के बैक वाला निशान पहले कटिंग करो, इससे कभी भी आपकी कमीज गलत नहीं कटेगी। तो आप देख सकते हैं इस तरीके की दोस्तों आपकी फिटिंग आने वाली है 1 इंच प्लस करने में। और अगर आप ये मेथड सीख जाते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूँ जो कंधे गिरने की प्रॉब्लम आती है, क्योंकि वो सारी आरमोल से होती है, आरमोल में झोल होगा तो आपके यहाँ पे कंधे गिरेंगे। कभी भी जब आपके कंधे गिरते हैं उसकी बहुत सी वजह होती है जो आपको आने वाली क्लासेस में पता चलती रहेगी। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो और इस वीडियो को देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें और इस वीडियो को लाइक कर दें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारी पेड क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो जिसके अंदर मैं कॉलिंग पे भी आपको समझाता हूँ, तो ऊपर दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।